कि हाँ लैम्बोर्गिनी कमिंग सून गाइस, एंड अभी हमारा डिस्ट्रैक्ट ना 14th को रिलीज हो रहा है और सुपरा भी कमिंग सून। तो मेरी म्यूजिक वीडियो का शूट फाइनल हो चुका है गाइस, 22nd को हमारा एक मीटअप प्लान भी है अयोध्या में। यस गाइस, वी आर गेटिंग द लैम्बोर्गिनी। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड। आज इस व्लॉग की शुरुआत हो रही है स्ट्रेट फॉरवर्ड फ्रॉम हरिद्वार। गाइस, हमने रात को इतनी पार्टी करी है ना गाइस प्रणव भाई के बर्थडे के लिए। पर फिलहाल के लिए मैं आप लोगों को एक सीन बता देता हूँ। हम लोग यहाँ से जा रहे हैं घर। आज से हमारे गाने की जो शूट प्रिपरेशन है वो शुरू हो जाएगी। हम लोग आई गेस फिल्म सिटी शूट कर रहे हैं इस गाने को, एंड ये जो गाना है ना बहुत क्रेजी होने वाला है। स्पेशली ब्रो सीना के लिए पूरा गाना डेडिकेटेड है, एंड इस गाने पे इतने टाइम से मेहनत चल रही थी, बट जो एग्जीक्यूशन होगी ना वो नेक्स्ट लेवल होने वाली है। फुल सपोर्ट दिखाना ब्रो सीना इस पूरे गाने पर। फिलहाल के लिए हम लोग यहां से निकल रहे हैं गाइस घर, बहुत सारे काम निपटाने हैं, बहुत सारी शूट्स निपटाने, गुड न्यूज़ भी देनी है आप लोगों को। एंड ये चेक करो गाइस, कौन है हमारे साथ? भव्य चौहान। मुझे नहीं लगता ये मेरा पीछा छोड़ पाएगी जब तक इसका घर नहीं बस जाता। कौन भैर अपने भाई का पीछा छोड़ती? पहले बताओ, पीछा छोड़ना, पीछा छुड़वाना है पहले बता दो, आप खुद बताओ। जैसे वो बंदर का बच्चा नहीं होता गाइस, वैसे चिपक के घूम रही है जब से मैं बिग बॉस के घर से बाहर आया हूं। तो अपने भाई से किससे? लड़कों को आपने सबको दूर कर रखा है। यहाँ से निकलते हैं घर। प्रणव भाई और भी सुबह निकल गए थे, आजकल थोड़ा सा ज्यादा सो रहा हूँ, बिग बॉस के घर में सोने के लिए नहीं मिलता था। सुबह उठते ही 8 बजे वो अलार्म बज जाता था, इतना मुश्किल होता था ना उठने के लिए। फिलहाल के लिए भी सब लोग रेडी हो चुके हैं, नीचे चलते हैं थार खड़ी और फिर निकलते हैं घर के लिए। ओके बॉयज, हम लोग निकल रहे हैं घर, और चेक दिस आउट, हियर वी हैव गॉट 1 थार एंड बोरी, मेरी रेड थार। गाड़ी चला रहा हूँ 3 महीने बाद। क्या कह रहे हो ना, फिर से खब्बी सीट पे, खब्बी सीट पे मेरी बहन। और ये भी तो बोल रहा है मुंबई शिफ्ट हो रहा हूँ, क्या बोल रहा है? वो तो मेरे को जान के लेके चल जाएंगे, ठीक है? नहीं यार, सच्ची में शिफ्ट हो रहा है, उत्तराखंड नहीं छोड़ के नहीं जा सकता। हमारा क्या होगा? लेकिन हाँ, प्रोजेक्ट 3 महीने हमने मर मर के काटे हैं। ऐसे भटकते थे, ऐसे बोलते यार, अभी अगर काश में ये भी होते मजा ही नहीं आता था हमें। डेफिनेटली यार, प्रोजेक्ट्स इन काम मिल रहे हैं, बट द थिंग इज गाइस, मैं बॉम्बे शिफ्ट नहीं हूंगा। हाँ, आना जाना लगा रहेगा काम के रिगार्डिंग, बट उत्तराखंड में पैदा हुए थे, उत्तराखंड में ही जिएंगे और उत्तराखंड में ही रह लेंगे लास्ट में। फिलहाल के लिए अभी घर जा रहे हैं, घर वाले भी वेट करें, बट इतने टाइम बाद गाड़ी चला करके बहुत अच्छा लग रहा है। सीट बेल्ट लगा लेता हूँ, तब तक आप सिनेमैटिक चेक करें। बोले तो नहीं ना, वो भी पता लग जाएगा जब खड़खड़ खड़खड़ की आवाज आएगी। जयपुर वाली राइड वाली। मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ, मैंने ना नई नई थार खरीदी थी और मुझे फोर व्हीलर चलानी आती ही नहीं थी। एंड मैं आपको बताता हूँ, ये जो साइड मिरर है ना, मुझे नहीं पता था कि इन साइड मिरर्स को देख करके आपको आगे ओवरटेक करना होता है। मुझे लगता है जैसे बाइक में लोग रुक जाते थे, गाड़ी में भी रुक जाते होंगे। मुझे लगा कि जैसे ही मैं ओवरटेक करूंगा राइट हैंड साइड पे जाकर के, वो ट्रक अपने वाला रुक जाएगा। वो रुका ही नहीं ट्रक, और नई थार, नया दरवाजा घड़घड़ 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 करके लगा और पूरा नई थार का डोर अंदर घुस गया। हमारा शीशा ना केवल इतना खुल रहा था, और जैसे हम लोग 80 के ऊपर जा रहे थे ना, हमारी ये जो डोर था ना, ये ऑटोमेटिकली खुल जा रहा था। अब पता नहीं था कि फोर व्हीलर ने पहली बार ऐसे कुछ करना होता है। नई गाड़ी ठुक गई और हमने ना वहां से अपनी थार भगा दी। मैंने कहा अगर हम लोग रुक गए ना तो ट्रक वाला हमें बहुत मारेगा, क्योंकि हमने ना उस ट्रक वाले को ठोक दिया। अब ट्रक तो क्या ही ठुकता, ट्रक में तो कुछ डैमेज नहीं है, बट हमारी नई थार इतनी भयंकर पिसी ना। फिर उसके बाद पता लगा कि जब आप फोर व्हीलर चलाते हैं ना, जो साइड मिरर होते हैं ना, यहाँ से देख करके ओवरटेक करना होता है। क्रेजी एक्सपीरियंस रहे जिंदगी के, बट हाँ आज नहीं आएगी हर्ष तेरी थार में से, और आज तो हर्ष की थार है। इंश्योरेंस है ना, जब तू अंदर था ना बहुत ठुकी हमारी गाड़ी। तो यार हम लोग घर पहुंचे थे, एंड घर आते ये चेक करो, भव्या जा रही है अपने घर। भव्या तुम नहीं चल रही हो क्या गाने के शूट के लिए? क्यों? मेरे को घर पे काम है। क्या काम है? मैं नहीं बता सकती। मुझे बता दे, तेरे पास इतना काम कहाँ से आ गया? क्या? ओके गाइस, यू नो नेटफ्लिक्स की सीरीज और मूवीज और यू नो एड्स आ रहे हैं भव्या के पास। वो कास्टिंग के लिए मेरे को नहीं फोन कर रहे हो आजकल, वो सीधा भव्या को फोन कर रहे हैं कि भव्या ने कहाँ कास्ट करना है। घर पे ऑफिस बना रही है अपना। उतर जाओ भी टाइम है कैब से, चंडीगढ़ चल के चलो, खींचो इसे, खींचो खींचो। अरे चल बाहर, चल। बोल रही बिग बॉस में वाइल्ड कार्ड एंट्री हो रही है इसकी, देख लो वही, पता नहीं कहाँ आ रही है। हाँ, देख लो तू घर भी जा रही, वही तो देखा, मम्मी का वॉल दिखाओ। इतना तो अरे हमसे ये देखो, तेरी आंखें ही बता दी। चलो चलो चलो, कैब कैंसिल करवाओ। ओके गाइस, कैब कैंसिल करवाओ। अब तेरी जगह नहीं है गाड़ी में। आंसू देखो, आंसू गाइस, आंसू देखो। भैया भैया आप भी बोल दो, मैं नहीं जा रहा। भैया गाइस हमारी सब्सक्राइबर होने का फायदा यही है। भैया कैब लेकर के, भैया कैंसिल नहीं लेकर के जानी आपने। बस अब वाले भैया ने बोल दिया, अब नहीं लेकर के जा रहे हैं। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ना तो उतारना है ना कुछ करना है, सीधा चंडीगढ़ छोड़ देना। चलो 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 चलो, चंडीगढ़ जा रहे शूट के लिए। चलो चलो, फिर से करना।
भाई मोए मोए हो गया तो भव्या का क्या बुलाई सब कुछ बुलाया वापस अंदर चंडीगढ़ मोए 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 से अच्छा हमारे भी बहुत मोए मोए हुआ बीच में गाइस ये बिग बॉस का हाउस है और इसकी वाइल्ड कार्ड एंट्री हो रही है वापस फैमिली वीक में मिलने आ रही है मेरे से इसका ये वाला माइक लगा रखा ये माइक मेरी बहन गाइस मेरी बहन मेरे से नाराज होकर कहां जाएगी इसे भी पता कितना प्यार करता हूं इसे मैं एंड द थिंग इज गाइस घर का काम चल रहा है चेक दिस आउट बाहर पूरा काम रेनोवेट हो रहा है इवन घर के अंदर इतनी ज्यादा धूल धूल हो रखी है ना ये चेक करो पूरी जगह गाइस धूल धूल हो रखी है ये घर के रेनोवेशन में इतनी दिक्कतें आती हैं ये चेक करो घर की क्या हालत हो रखी है बॉयज बट ये भयंकर ये देखो क्या हो रखा है घर में एक्चुअली घर की ना पूरी टाइल्स वाइल्स रेनोवेट हुई है पूरा घर रेनोवेशन पे चल रहा है जिन्हें पता उन्हें पता है एंड ये चेक करो गाइस चूलू यार एंड गाइस हियर इज पापा पावर नाम क्या हाल है बढ़िया चूलू मैं अपने पापा के पैर भी नहीं छू सकता क्या चल रहा है पापा घर का सब काम अभी तो कब तक हो गए खत्म 25-26 जनवरी तक तब हमारा देश आजाद हो जाएगा देश तो आजाद हो ही जाएगा बट 22 तारीख को पता है ना राम मंदिर का जो यू नो एक बहुत बड़ा इवेंट है हमारे यहाँ भी आ रखे हैं राम मंदिर के वो राम मंदिर के चावल और वो सब हमारे यहाँ भी आ रखे हैं इनविटेशन आ गया हाँ अंदर रखा है पूजा में रखा हुआ है इनविटेशन आ गया कौन सा तेरा वाला नहीं वो तुम्हारा वाला है गाइस 22 को हमारा एक मीटअप प्लान भी है अयोध्या में हम लोग पूरी गाड़ियां लेकर के अयोध्या आ रहे हैं गाइस मैं बोलो तो जय श्री राम जय श्री राम इतना अच्छा लग रहा है एंड इट्स नॉट ओनली अबाउट एंड ऐसे नहीं कि एक रिलीजन को रिस्पेक्ट है सारे रिलीजन को रिस्पेक्ट है गाइस बट राम मंदिर बनने की खुशी तो अलग लेवल पर ही है जैसे केदारनाथ जी का है बद्रीनाथ जी का है वैसे ही जब कभी भी कहीं भी जाओगे तो भगवान राम का एक पूरा मंदिर जो भी बना होगा उन्होंने बना रखा डिजाइन से वो जरूर लेके आना बोलो जय श्री राम एंड थिंग इज गाइस पापा तो यहाँ पर थे और ये चेक करो हमारी सुंदर सी लड़की इज आल्सो हियर मेरी सबसे सुंदर लड़की मेरी जीवन की मेरी माँ गाइस इतना अच्छा लगता है ना इनके साथ ब्लॉग करना एंड खुद लगे थे तुझे खुद मम्मी यार कितनी याद आई आपको याद करके मैं रोया हूँ बिग बॉस में तो वहाँ हम तो ये देख के तू तो नहीं देख सका पर हम देख रहे थे तेरे रोए हम क्या करते हम कुछ नहीं कर सकते थे ना हम भी वो हो रहे थे कि हमें बुलाए हम भी जाए मिलने के लिए उसे कुछ तो उत्साह मिलेगा पर जब नहीं मिलने दिया तो क्या कर सकते प्लानिंग ये थी केवल कि मन्नू और तेरी मम्मी जाएंगे मैंने कहा मैं घर का संभालूंगा लेकिन वहाँ मुझे एक ही चिंता थी खाना और सोना कैसे हो रहा मैनेज वो भी पूरे दिन भर चलाना पड़ता था और सोने के लिए आप लोगों को पता है मैं दिन के ना 2-3 बजे उठता हूँ वहाँ सुबह 6 या 7 बजे उठना पड़ता था इतना मुश्किल टाइम पीरियड था ना वो पर कोई बात नहीं मुझे ये खुशी है कि मेरा लड़का दिल जीत के आया जितनी इज्जत घर वालों को लोग मिलते हैं पापा क्या क्या कमेंट आ रहे हैं लोगों को नहीं वो तेरा वो डायलॉग ठीक लगा बिग बॉस तुमने अंदर उतनी इज्जत नहीं दी जितनी बाहर दे दी नहीं पापा सबसे बेस्ट चीज पता है क्या हुई है पापा कि लोगों के कमेंट आते हैं कि भाई हम लोगों ने उस टाइम शायद इसकी रियल पर्सनालिटी नहीं जानी बट जब लोगों ने अब व्लॉग्स फॉलो अप करना शुरू करा लोगों ने मेरे इंटरव्यूज देखे तो लोगों को कहीं ना कहीं लोग ये लिख रहे हैं कि भाई आई एम सो ग्लैड ये अनुराग ना एक रियल है एक कमेंट बहुत ज्यादा होता है कि दिस इज द रियल अनुराग एंड वी लव हिम भाई मैं ऐसे ही और बिग बॉस आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अंदर नहीं दे पाए तो लोग देने वाले कहीं से भी दे देते कोई फर्क नहीं पड़ता आप नहीं पहचान पाए 2 करोड़ तो लोग बाहर से पहचान ही रहे जो सब्सक्राइबर है उनके अलावा अलग है जब वो सल्लू भाई ने कहा था कि सॉरी अनुराग हम आपको कुछ ऐसा कुछ बोला था तो मैंने अपने अकाउंट पर डाला हुआ है कि सल्लू भाई पर्सनालिटी को पहचान 4 दिन में नहीं पहचान सकते आप पर्सनालिटी को पहचानने में कम से कम 4 साल लग जाते हैं किसी को पहचानने हम दिखावा करने वाले लोग नहीं हम बहुत सिंपल लोग हैं भाई जैसी जिंदगी जी रहे हैं नॉर्मल अच्छी है और अच्छी लगती है यही लाइफ स्टाइल अच्छी लगती है एंड अब तो गाइस टीवी से रिलेटेड और भी प्रोजेक्ट्स है जो भी ऑन प्रोसेस है बट बहुत कुछ है जिंदगी में बहुत कुछ आई नेवर थॉट कि इस लेवल पे पहुंच पाऊंगा गाइस बहुत सारी चीजें सीखने के लिए मिली उस शो से एंड द थिंग इज बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं फिलहाल के लिए म्यूजिक वीडियो का सीन मैं आप लोगों को बता देता हूँ मेरी म्यूजिक वीडियो का शूट फाइनल हो चुका है और एक चीज और हाँ ये अनाउंसमेंट मैंने शो के अंदर ही कर दी थी मैं जब घर आया ना तो मुझे पता लगा कि जो मेरी सुपरा थी वो वापस दुबई भेज दी गई है एक्चुअली उसकी सर्विस ड्यू हो गई थी तो वो जा चुकी है दुबई एंड अभी ऑनेस्टली बता रहा हूँ हम लोग इतना ज्यादा लाइक दिखा दुखा करके नहीं घूम सकते क्योंकि सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स बहुत हाई हो चुके हैं सो यू नो टीम के एंड से भी एंड बाकी सब लोगों के एंड से भी थोड़ी सी ऐसी चीजें हैं कि हम लोग ऐसे ओपनली कहीं पर भी नहीं घूम सकते हाँ लोगों से मिलना अच्छा लगता है अभी चंडीगढ़ आ रहे हैं तो बाकी सब लोगों से भी चंडीगढ़ में अच्छे से मिलेंगे बट द थिंग इज गाइस मेरे को दुबई जाना है वापस से एंड सुपरा तो लेकर के आनी है साथ ही साथ लैम्बोर्गिनी वाला सपना भी पूरा होने जा रहा है यस गाइस वी आर गेटिंग द लैम्बोर्गिनी एंड अभी हमारा डिस्ट्रैक्ट ना 14th को रिलीज हो रहा है आई गेस इस महीने पूरा काम में ही चला जाएगा बट हियर इज द अनाउंसमेंट गाइस कि हमारी लैम्बोर्गिनी फाइनली आ रही है लैम्बोर्गिनी इज कमिंग
कमिंग गाइस। घर की पूरी रेनोवेशन हो इसलिए रही थी, बाहर जो प्लेटफॉर्म है वो सीधा इसलिए कराया गया क्योंकि लैम्बो ना और भी डाउन है सुपरा से, सो लैम्बो को अंदर घुसाने के लिए वो सारी चीजें करवाई थी। मेरे को था आपको मैं पहले बता करके जाता, मुझे लगा था मैं जनवरी के एंड तक आऊंगा, बट शो वालों ने जनवरी से पहले इवेक्ट कर दिया तो सारी चीजें आधी अधूरी रह गई। बट कोई नहीं गाइस, जो भी चीज होती है अच्छे के लिए होती है, यहाँ से एक नई जर्नी की शुरुआत है। एंड एक चीज का और मेरे को शॉकिंग लगा कि इन लोगों ने मेरी सुपरा वापस भेज दी। सुपरा का भेजी वापस दिसंबर, जिस मैंने मेरा... भेजी ना मैं उस दिन करता दिसंबर को भेजी ना मम्मी 31st, जिस दिन मेरा इविक्शन था ना 31st को, न्यू ईयर के एक दिन पहले, न्यू ईयर के दिन इन्होंने सुपरा भेजी थी भाई। अरे बात तो सुन, पहले एक बारी भेजी वापस आ गई घर में हमारे, फिर हमने वहाँ खड़ी कर दी, फिर दूसरी बुलाई वो उसमें तेरी गाड़ी घुसी नहीं, वो छोड़ी दोनों चीजों का इविक्शन करवा दिया और दोनों चीजें भी धमाल तो मचाएंगी मचाएंगी। मैंने अभी मुंह नहीं धोला। पापा आप ऐसे सुंदर लग रहे हो, चेहरे की सुंदरता बहुत कम लोग पहचानते लेकिन दिल की सुंदरता पहचानने वाले लोग थोपड़े पे ही जा रहे हैं। थोपड़े पे नहीं जाना चाहिए, थोपड़े पे जाते हो तो बहुत पछताते हो, थोपड़े पे कभी मत जाना। ठीक है गाइस, हमारी तो शक्ल भी ठीक ठाक है और दिल भी ठीक ठाक है, बट इस वाले व्लॉग में जस्ट मैं अनाउंसमेंट कर देना चाहता था कि हाँ लैम्बोर्गिनी कमिंग सून गाइस और सुपरा भी कमिंग सून। एंड अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं चंडीगढ़ के शूट के लिए। सो फिलहाल के लिए गाइस ये वाला व्लॉग यहीं पर खत्म करते हैं। मेरे को बस ये अपडेट देनी थी आप लोगों को अपनी सुपरा के बारे में। एंड उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन सारंग्यो।